अब बात कर रहे हैं हम अलग तरह की नेमिंग से, एक और उसमें हमारे पास आएगा नेमिंग, नेमिंग ऑफ नाइट्राइल। नेमिंग ऑफ नाइट्राइल, सही है। नेमिंग ऑफ नाइट्राइल हम कैसे देखते हैं, एक ध्यान से देखिएगा। पहले तो नाइट्राइल है क्या, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, जिसको अपन कई बार साइनो साइनाइड वगैरह बोल देते हैं। अंतर क्या है साइनो साइनाइड में मालूम है? देखो, अगर सी ट्रिपल बॉन्ड एन माइनस में है तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तब अपन यूज करते हैं साइनाइड, साइनाइड एनआईएन के रूप में, पोटेशियम साइनाइड, समझ में आ रहा है। और अगर सी एन ओ होता तो अपन क्या यूज करते हैं इसको, साइनेट, सी एन ओ साइनेट। एस होता थायोसाइनेट, एन से जुड़ा होता आइसो साइनेट। आ रही है बात समझ में? तो साइनेट और साइनाइट में क्या अंतर है, ओ का पहला डिफरेंस ओ का, और दोनों पे नेगेटिव चार्ज है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहा है, इनऑर्गेनिक यानी पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनाइट। लेकिन ऑर्गेनिक में अपन इसको क्या बोलेंगे, या तो साइनो या फिर नाइट्राइड। तो ये तो हो गया इसका सफिक्स और ये हो जाएगा उसका प्रेफिक्स। तो एक ही चीज के कितने सारे नाम है, साइनो नाइट्राइल साइनाइट साइनेट, नहीं साइनेट अलग है, तो लिख लीजिए ये सब सी वाई ए एन ओ साइनो। तो ठीक है, इसकी टेबल बनाई जाए, हमें तो अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ना है। फंक्शन ग्रुप, प्रेफिक्स, सफिक्स, आईयूपीएसी नेम, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, प्रेफिक्स मैंने बता ही दिया, साइनो साइनो, सफिक्स क्या होगा इसका, नाइट्राइल। अगर इसका कार्बन काउंट नहीं हो रहा पा रहा है तो कार्बो नाइट्राइल। आईपीएसी नेम एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल या एल्केन कार्बो नाइट्राइल। एल्केन कार्बो नाइट्राइल, हाँ या ना? अब इसके एग्जाम्पल्स करते हैं, कुछ इजी से स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको करा रहा हूँ। पहले एग्जाम्पल सी एन फंक्शन ग्रुप है, तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3, किधर भी जाएं तीन से ज़्यादा आपको कार्बन नहीं मिलेंगे, मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, हाँ या ना? अब इधर देखिए
फंक्शन ग्रुप 1 2, लेकिन उसके बाद कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन ग्रुप के बाद? मल्टीपल, तो इधर जाना पड़ेगा 3, तो 2-इथाइल प्रोप 2-ईन नाइट्राइल। इजी है, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, सही है। थर्ड नंबर पे सीएन भी है और एस्टर भी है, कौन सीनियर है? एस्टर, तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4। अब इसको नंबरिंग नहीं करेंगे अपन, ये लोकेंड का कार्बन हो गया, बच्चे इसको भी नंबरिंग कर जाते हैं। आप बच्चे नहीं, आप बड़े हैं ना, तो करें अपन। कैसे होगा इसका नाम? 1 2 3 4, 4 पे क्या हो जाएगा? साइनो, साइनो 4 साइनो ब्यूटेन। कुछ गलत हो रहा है, मिथाइल पहले आएगा, भले वो अल्फाबेटिक में एम बाद में हो, लेकिन हम हमेशा उसको कहाँ लिखते हैं? यहाँ मिथाइल, और कुछ नहीं, सिर्फ मिथाइल लिखेंगे, कोई पोजीशन नहीं बताएंगे, मिथाइल। अब बताइए आगे क्या लिखा है? ब्यूटे नोएट, ब्यूटे नोएट। क्या कहीं कोई दिक्कत आई इसमें? मेन फंक्शन ग्रुप है ब्यूटे नोएट। यहां पर नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग की जरूरत ही नहीं है। साइक्लो हेक्सेन कार्बो नाइट्राइल, हाँ या ना? इजी है, कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। यहां कौन है सबसे बड़ा? वन सी डबल एच, 1 2 3 4 5 6। तो कैसे नंबरिंग करेंगे? से 5 साइनो, 5 साइनो साइक्लो हेक्स 2-ईन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लिखें इसको। आगे आए, फ्रंट में खेले अपन। चलिए ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल जो हमारे पास बनेंगे इसके, एक एक करके करते हैं एग्जाम्पल्स। गिव्स आईयूपीएसी नेम, गिव्स आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। नेम्स ऑफ फॉलोइंग, फॉलोइंग कंपाउंड। चलिए एक एक करके एग्जाम्पल्स पे प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट सी एन, सी एन सी एन। सेकेंड सी एन, सी एन सी एन। थर्ड सी डबल ओ एच, सी एन। फोर्थ सी डबल ओ एच, बी आर क्लोरीन सी एन। फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ। इन सब के आंसर्स आपको साइमल्टेनियसली देने, जल्दी जल्दी करते हुए।
करिए। तो हमारे पास आईयूपीएसी नेम वापिस से स्टार्ट है। कौन बड़ा ग्रुप है? यहां तो सारे एक जैसे हैं सीएन। नंबरिंग कहां से करें? सोच के देखो, यहीं से 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा फंक्शन ग्रुप आ गए एक जैसे, कवर कर नहीं सकते। तो लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करो और नेमिंग कर दो। सारे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके लिए? पेंट, पेंटेन 1, नहीं 2, 3, 4। ट्राई, ट्राई के आगे क्या लिखूं? कार्बोनाइट्राइल। ट्राई कार्बो नाइट्राइल, आपने भी यही लिखा है। इसको क्या करा जाए? फंक्शन ग्रुप नंबरिंग यहां से करी जाए 1 2 3, जैसे इन फायदा हो जाए। साइक्लो प्रॉप, साइक्लो प्रॉप 1 इन, बढ़ती 1 इन मिल गया आपको। आपने 2 लिखा था ना, किसने लिखा था 2? सही करो उसको, साइक्लोप्रॉप 1 इन, फिर 1, 2, 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। अब यहां पर सीएनबी सी डब्लू एच है, सी डब्लू एच सीनियर है, 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा यहां पर? 4 साइनो साइक्लो पेंट 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यहां देखो आप, सबसे बड़ा फंक्शन ग्रुप कौन सा है इसमें? सी डब्लो एच या सी एन? सी डब्लो एच। तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, दोनों तरफ बराबर जा रहा है, फिर बीआर को प्रायोरिटी देंगे। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? 2 ब्रोमो 6 क्लोरो 4 साइनो, 4 साइनो। अब बचा क्या? साइक्लो हेक्स 2,5, हेक्सा लग जाएगा, 2,5 डाइईन, हेक्सा डाइईन, ठीक। और फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी गुड, यही लिखा है आपने। यहां नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? 1 2 3 4 5। तो क्या आंसर होगा इसका? तो बहुत इजी है, 4 साइनो पेंटेनोइक एसिड। सही है, 4 साइनो पेंटेनोइक एसिड। इसका नाम यहां से नंबरिंग 1 2 3, इधर 4, ये 4 5। सही है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 पे क्या रहेगा? 3 पे आपके आएगा साइनोमिथाइल, साइनोमिथाइल कॉम्प्लेक्स लोकेंट रहेगा, साइनोमिथाइल। आगे तो हमारे लिए हो जाएगा 3 साइनोमिथाइल। आगे कैसे सोचेंगे हम? पेंट पेंटेनोइक एसिड, बस समझ में आ रही है बात? सबने सही किया ये। इस तरफ हमारे पास नंबरिंग तो यहां से होगी 1 2 3 4, हमें इसको कवर करना पड़ेगा। तो 2 पे तो एक इथाइल है और 3 पे क्या है? वही साइनोमिथाइल। तो साइनोमिथाइल पहले आएगा, तो 3 साइनोमिथाइल। टू इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, इसको कैसे देखेंगे आप? सीएन सबसे बड़ा ग्रुप है, 1 2 3,
वन टू थ्री, तो क्या हो जाएगा, टू हाइड्रोक्सी ब्यूटीन आएगा यहां पर, ब्यूटेन नहीं, ब्यूट कौन से नंबर की इन है, थ्री इन इनायोइक एसिड, सही है, टू हाइड्रोक्सी वन टू थ्री, कार्बन काउंट हो सकता है, हाँ, तो प्रॉप वन कॉमा थ्री, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, डाई नाइट्राइल, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट में ही होगा, डाई नाइट्राइल में हो गए, आ गई बात समझ में, अच्छे से समझ में आ गया, चलो।